क्या हाल है सबका? क्लास से अपनी इस्लामियात की बुक्स निकालें, पेज नंबर 11 ओपन करें। पेज नंबर 11 खोलें। अच्छी डेट एंड डे मेंशन करें। दानियाल इसकी रीडिंग करें। दानियाल अपना माइक अनम्यूट करना। जोया आप रीडिंग करें। अपना माइक अनम्यूट करें, रीडिंग स्टार्ट करें। तो है रीडिंग स्टार्ट करें इसकी। अपना माइक तो अनम्यूट करें पहले। यकीन रखना आगे बढ़े। कलमा तैयबा। दोराई। शजिया आप रीडिंग करें। शजिया टीचर रीडिंग स्टार्ट करें। किसकी करनी है? टीचर पेज नंबर 11 पे। मानिया।
हर मुसलमान के लिए जिन बातों पर दिल से यकीन रखना जरूरी है इनको ईमानियत कहते हैं। गुज़श्ता सालों की दुहराई कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा शहादत अशहदु अन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ईमानियात कहते हैं उन बातों को जिनके ऊपर दिल से यकीन रखता होता है। हर मुसलमान जिन बातों पर दिल से यकीन रखता है उनको हम ईमानियात कहते हैं। अब हम आज क्या पढ़े, हम चारों कलमे पढ़ेंगे। गुज़श्ता सालों की पढ़ाई यानी हमने पहला कलमा और दूसरा कलमा ये आपके पहले पढ़ लिए हैं। पहले कलमे में हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और ये बात हम सबको पता है ना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल है। हमने इन दो बातों को दिल से तस्लीम करना है। अगर हम इन बातों को दिल से मानते हैं तो इसका मतलब है हम मुसलमान हैं। और आपको पता है जब कोई शख्स मुसलमान होता है ना, जैसे कोई काफिर है अगर उसको मुसलमान होना है तो वो कौन सा कलमा पढ़ता है, वो पहला कलमा पढ़ता है, फिर वो मुसलमान होता है। कलमा पढ़े बगैर कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। दूसरा कलमा है शहादत। शहादत का मतलब होता है कलमा शहादत। शहादत का मतलब होता है गवाही देना। किस बात की गवाही देना, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है इबादत के लायक। अल्लाह ताला की ज़ात इबादत के लायक क्यों है आपको पता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, ज़मीन बनाए हैं, आसमान बनाए हैं, जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इंसान या कोई और मखलूक ये सब कुछ नहीं बना सकती थी। सिर्फ अल्लाह ताला के पास इतनी पावर्स हैं कि अल्लाह ताला ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला बिल्कुल अकेले हैं और उनका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। हमें इन बातों पर ईमान लाना है कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह ताला बिल्कुल अकेले हैं, यानी हमारा रब एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। जी नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट पेज। चराई पेज नंबर 12। कलमा तमजीद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। तर्जुमा अल्लाह पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं।
और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुवत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वा लहुल हम्दु यूही व यूमीतु व हुवा यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है। वो जिंदा करता है और मौत देता है, और वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसे कभी मौत नहीं आएगी, उसी के कब्जा कुदरत में हर भलाई है, और वो हर चीज पर कादिर है। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कलमा तमजीद। कलमा तमजीद में हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं अल्लाह ताला पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। क्या अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास इतनी पावर्स हैं कि हम उनकी तारीफ कर सकें, इस तरह से तारीफ कर सके जिस तरह हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं ना, हम तस्बीह पढ़ते हैं, हम सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह लज़ीम पढ़ते हैं, या आप जैसे कलमा तमजीद है तो इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो रही है। तो अल्लाह ताला जितनी पावर्स किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला जितनी पावर्स किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह ताला पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, हमने पहले कलमे में भी ये पढ़ा कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, दूसरे में भी ये पढ़ा और तीसरे में भी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। और आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और शिर्क करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। आप, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग मुसलमान होंगे ना, अब उन्होंने गुनाह तो किए होंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अगर वो मुसलमान है, उनके दिल में ईमान है, तो अल्लाह ताला उनको कभी ना कभी दोजख की आग से निकाल लेंगे। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, अल्लाह ताला को अपना रब नहीं मानता है, उस शख्स को अल्लाह ताला जहन्नुम में ही रहने देंगे, वो कभी भी दोजख से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की। तो अगर हमारे दिल में राई बराबर आएगा, तो बहुत छोटे से जर्रे को, बहुत छोटे जर्रे के जितना भी ईमान होगा ना, तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा लेंगे, जहन्नुम की आग से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को अपना रब नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं और तमाम तरीके भी अल्लाह ताला के लिए, तो अल्लाह ताला को फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग जन्नत में रहते हैं या दोजख में। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। गुनाहों से हम कैसे बचते हैं? शैतान हर टाइम हमारे साथ होता है, हर टाइम हमें कह रहा होता है कि गलत काम करो, गलत काम करो, हर वक्त हमें जो है वो गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। मैं आपको इसीलिए मैं आपको बुक वर्क नहीं करवा रही, मैं आपको बस रीडिंग करवा रही हूँ। Yeah.
गुनाहों से बचने की ताकत, जितने भी गुनाह होते हैं उनसे अगर हम बचते हैं, हम वो गुनाह नहीं करते, तो ये ताकत हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, कोई और नहीं देता। और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ताला की तरफ से है। नेकी करने की कुव्वत किसकी तरफ से है? नेकी करने की ताकत हमें कौन देता है? नेकी करने की ताकत भी अल्लाह ताला देते हैं, गुनाहों से बचने की ताकत भी अल्लाह ताला देते हैं, और अल्लाह ताला बहुत बुलंद है, बहुत अजमत वाले हैं। आपने हमने पढ़ा है कलमा तौहीद। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना। तौहीद में हम किस बात की गवाही देते हैं, किस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला बिल्कुल अकेले है, अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, शरीक नहीं यानी अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, ना अल्लाह ताला के बेटे हैं, और अल्लाह ताला के साथ बादशाहत में कोई भी शरीक नहीं है, कोई साथी नहीं है, अल्लाह ताला अकेले पूरी दुनिया का होल संभाल रहे हैं। और अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ है, अल्लाह ताला हमें जिंदा करते हैं, हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। हमें जिंदा कौन रखता है? अल्लाह ताला। हमें मौत आती है तो किसके हुक्म से आती है? अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। और अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहने वाले, जब क़यामत आएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी और हमेशा बाकी रहेगी, अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में हर भलाई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई काम अच्छा हो जाए या हमें कोई भलाई मिल जाए, हमें कुछ अच्छा मिल जाए, तो इसकी ताकत किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास। किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है, किसी और के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। और अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सके। पेज नंबर 18 खोलें। अस्माए हुस्ना जमी अंजिया اسماء الحسنى गुज़िश्ता सालों की दोहराई। اسماء الحسنى अल्लाह ताला के नामों को اسماء الحسنى कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इनको याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए हम सब को ये नाम जुबानी याद करने चाहिए। वो अल्लाह वही है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं है। अर्रहमान सब पर मेहरबान, अर्रहीम बहुत मेहरबान, अल मालिक हकीकी बादशाह, अल कुद्दूस हर ऐब से पाक, अस्सलाम सलामत रखने वाला, अल मोमिन अमन देने वाला, अल मुहैमिन निगरानी करने वाला, सब अल अजीज सब पर गालिब, अल जब्बारु खराबी दुरुस्त करने वाला, अल मुतकब्बिरु बहुत बुराई वाला, अल खालिकु पैदा करने वाला, अल बारियु ठीक ठीक बनाने वाला, अल मुसव्विरु सूरत बनाने वाला, अल गफ्फारु गुनाहों को हर वक्त बहुत ज्यादा पहुंचने वाला, अल कहारू बहुत गलते वाला, अल वहाबू सब कुछ अता करने वाला, अर रज़ाकू बहुत रोजी देने वाला,
अल-फताह रहमत के दरवाजे खोलने वाला, अल-अलीम सब कुछ जानने वाला, अल-काबिज़ तंगी करने वाला, अल-बासितु फराखी करने वाला, अल-खाफिज़ पस्त करने वाला, अल-राफ़िउ बुलंद करने वाला, अल-मुइज़्ज़ु इज्जत देने वाला, अल-मुज़िल्लु ज़िल्लत देने वाला, अस्समीउ सब कुछ सुनने वाला, अल-बसीरु सब कुछ देखने वाला, अल-हकमु अटल फैसला करने वाला, अल-आदिलु सरापा आदल इंसाफ, अल-लतीफु बारीकबीन, अल-खबीरु हर बात से बाखबर। इस साल के असबा अल हलीमु निहायत बुद्धवार, अल अजीमु बड़ी अजमत वाला, अल गफूरु खूब गुनाह बख्शने वाला, अल शकूरु कुदरतदान, कदरदान कदरदानी कदरदान कदर अच्छा बच्चों हमने क्या पढ़ी है अभी, शजीहा ने किनकी रीडिंग की है, अस्माए हुस्ना की। अस्माए हुस्ना किसे कहते हैं? अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के नामों को कहते हैं। और अल्लाह ताला के कितने नाम है? 99 नेम्स हैं अल्लाह ताला के। जो शख्स अल्लाह ताला के नाम याद करता है वो कहाँ जाता है? जन्नत में। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के नाम याद करें। अच्छा अब अल्लाह ताला के जितने भी नाम है ना, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, इसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई है। अल्लाह ताला ने हर नाम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई खूबी है कि अल्लाह ताला कैसे हैं। अर-रहमान सब पर मेहरबान, अर-रहीम बहुत मेहरबान, अल-मालिक हकीकी बादशाह। हकीकी बादशाह कौन है? अल्लाह ताला। तो ये नाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल-कुद्दूसु हर ऐब से पाक, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अस्सलाम सलामत रखने वाला, अल्लाह ताला सलामत रखने वाले हैं हर चीज को। अगर कोई चीज ठीक रहती है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक रहती है, और अगर कोई चीज खराब हो जाती है या उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से होती है, अल्लाह ताला की मर्जी से होती है। अल-मुमिनु अमन देने वाला, अल-मुहैमिनु निगरबानी करने वाला, हिफाजत करने वाला। हमारी हिफाजत हर वक्त कौन कर रहा होता है? हमारी हिफाजत हर वक्त अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। अल-अज़ीज़ु सब पर ग़ालिब, अल-जब्बारु खराबी दुरुस्त करने वाला, अल-मुतकब्बिरु बहुत बड़ाई वाला, अल-खालिकु पैदा करने वाला, अल-बारिउ ठीक ठीक बनाने वाला, अल-मुसव्विरु सूरत बनाने वाला। सूरत बनाने वाला, हमारी सूरतें किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। अल-गफ्फारु गुनाहों को हर वक्त बहुत ज्यादा बख्शने वाला, जब भी कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आ मेरे से 70 times 70 times भी कोई इंसान मेरे से माफी मांगेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। यानी अल्लाह ताला हर वक्त हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो हम उस पर अल्लाह ताला से फौरन माफी मांगे। अल-कहारु बहुत गलबे वाला। ये सारे जो अस्माए हुस्ना है ये हमने 2 क्लास में आपने पढ़े हैं ना। अल-खबीरु तक जितने भी अस्माए हुस्ना है आपने 2 क्लास में पढ़े हैं। इस साल के जो अस्बाब हैं इसमें मुझे 3 दिए हुए हैं, तो 4 दिए हुए अस्माए हुस्ना। ये 4 अस्माए हुस्ना आपके न्यू हैं, इनके मीनिंग्स आपने याद करना है, बाकी सबके मीनिंग्स आपको आते हैं। और अगर किसी को नहीं आते हैं तो उसको पुराने वाले भी याद करने पड़ेंगे। अल-वहाबु सब कुछ अता करने वाला, अर-रज़ाकु बहुत रोजी देने वाला। हर एक को रोजी कौन देता है?
इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको रोटी कौन देता है, सबको खाना कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। अल्फताहु बड़ा फैसला करने वाला, हर तरह के जो फैसले होते हैं वो अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह ताला हर चीज जानते हैं। अलगाविसु रोजी तंग करने वाला, तंगी करने वाला। अलवासितु फराकी करने वाला, अलखाफिसु पस करने वाला, अराफियु बुलंद करने वाला। अगर अल्लाह ताला किसी की रोजी तंग करते हैं तो अल्लाह ताला रोजी में फराकी भी करते हैं, और अल्लाह ताला अगर किसी को पस करते हैं, किसी को जिल्लत देते हैं, तो इज्जत देना भी अल्लाह ताला के हाथ में है। इज्जत जिल्लत रोजी हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला हर चीज अता करते हैं। समीउ सुनने वाला, अलबसीरु देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला, हर तरह के फैसले करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ये सारे काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले हैं, भेदों के जानने वाले, भेद यानी राजों के जानने वाले हैं, बड़ी जी अजान टीचर टीचर आपने जो पहली क्लास ली थी वो इसलिए मेरा थोड़ा सा बगड़ा आ गया था उस पर। जी मुझे पता है आपका थोड़ा सा होमवर्क रहता है, अब जब आपको कॉपीज रिटर्न होंगी तो आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अल्लाह ताला बहुत बड़ी भी ना, छोटी से छोटी बात भी जो होती है उसको अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अब कौन से चार अस्माए हुस्ना हमारे लिए नहीं है? अल हलीमु बुद्धवार, अल अजीमु अजमत वाला, अल गफूरु खूब गुनाह बख्शने वाला, अशकूरु कदरदार ने थोड़े पर बहुत ज्यादा देने वाला। अगर हम अल्लाह ताला का थोड़ा सा भी शुक्र अदा करते हैं ना तो उसमें भी अल्लाह बहुत ज्यादा दे देते। अच्छा क्लास थ्री आपकी कॉपी चेक करने होने के लिए आई हूँ। सबसे अच्छा काम जिसका करा वो सुमाहा का, सुमाहा ने इतना प्यारा काम किया, इतनी नीट हैंड राइटिंग की हुई थी, और सुमाहा का सारा काम कम्प्लीट था। और जो बाकी स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स था इंटरफेट था, और दानिया आपने बहुत ज्यादा गंदी हैंड राइटिंग की थी, आपने अपना काम खुद नहीं किया था। दानिया आपने अपना काम खुद किया था इस्लामिया का? यस सारा। आपने इतनी ज्यादा गंदी गंदा काम क्यों किया हुआ था? आपका होमवर्क बिल्कुल भी नीट हैंड राइटिंग में नहीं था टीचर। टीचर वो असली में वो वैसे बहुत सारा काम मेरा पड़ा रहता था, कि कभी कभी पूरी आधी रात, कभी 3 बजे तक मैं पढ़ती रहती हूँ, कभी 2-1 बजे तक पढ़ती रहती हूँ रात के। अच्छी बात है, लेकिन जब आपने कॉपी वर्क करना है तो आपने नीट हैंड राइटिंग करनी है, ठीक है? अस्सलाम टीचर, वालेकुम अस्सलाम फातिमा। टीचर अस्सलाम फातिमा जी, बताएं सुमाहा टीचर मेरा कैसा काम, मैंने कैसे काम किया था, मेरा सही था काम जो मैंने किया था? मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया कि सुमाहा का काम सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अच्छा काम जो था वो सुमाहा का था। टीचर वो तो मेरे बुक पे ना नाम ही लिखा था, तो आपको पता लग गया था मेरी कौन सी बुक है? हाँ जी मुझे पता चल गया था, आपकी कॉपी के साथ ही आपकी बुक भरी हुई थी, मुझे मिल गई थी। ओके थैंक यू। अच्छा क्लास थ्री, अब जब आपने नेक्स्ट टाइम आपके पास अब कॉपीज और बुक्स आएंगी तो आपने सबसे पहले अपने नेम्स मेंशन करनी है, ऐसे आपकी कॉपीज या बुक्स मिसप्लेस हो सकती है। फिर टीचर को कैसे पता चलेगा कि किसकी कॉपी है किसकी बुक है अगर आपने नेम्स ही मेंशन नहीं किए होंगे तो? आपने सबसे पहले अपने नेम्स मेंशन करने हैं और अपना काम बहुत ज़्यादा नीट हैंड राइटिंग में करना है। वैसे काम सुमाहा का सबसे ज़्यादा अच्छा काम था, और कुछ स्टूडेंट्स का काम इनकम्प्लीट था, मिसिंग था, जो मिसिंग वर्क है उसको आपने कम्प्लीट करना है, और काम बहुत नीट हैंड राइटिंग में करना है ताकि समझ आए आपने क्या लिखा हुआ है। प्यारा प्यारा काम करना है, जैसे हम
स्कूल में करते थे, जैसे हम क्लासरूम में काम करते थे वैसे काम करते हैं। अच्छा क्लास थ्री पेज नंबर 71 खोलें जिनके पास बुक्स हैं। पेज नंबर 71 में अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को अहदीस कहते हैं। वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं करने के लिए और जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उनको हम हदीस कहते हैं। सबसे पहली हदीस है वुजू की अहमियत। अगर हम वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती, अगर हम वुजू नहीं करते हैं तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो वुजू है। और बेहतरीन अमल क्या है? सबसे बेहतर अमल अपने वक्त पर नमाज पढ़ना और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर हम वक्त पर नमाज पढ़ते हैं और अपने मामा पापा के साथ अच्छे सलूक करते हैं, उनका बदतमीजी नहीं करते, उनकी बात में बात नहीं करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन अमल है। क्लास थ्री ये पेज नंबर 71 पे आपको हदीस दी हुई है। पेज नंबर 72 पे इनका बुक वर्क था, ये बुक वर्क आपने कम्प्लीट करना है। इसी पेज नंबर 73 पे आपको अहदीस दी हुई है, ये पेज नंबर 73 पे अहदीस दी हुई है। पेज नंबर 74 पे इनका बुक वर्क है, जिनका काम इनकम्प्लीट है वो अपना काम कम्प्लीट करेंगे। और ये पेज नंबर 72 और 74 आपने कम्प्लीट करना है, बस इसमें प्रिंट की ब्लैंक्स हैं उनको आपने कम्प्लीट करना है और ट्रेसिंग है। जुबान की हिफाजत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जुबान को काबू में रखो। जुबान को काबू में रखने का क्या मतलब है? मतलब कि अपनी जुबान से झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, किसी की बुराइयां ना करो, गाली ना दो और अपनी जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र करो और अपनी जुबान से कोई ऐसी बुरी बात ना निकालो जिससे किसी का दिल दुखे। गाने का नुकसान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक गाना दिल में नफाक पैदा करता है। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। गाना दिल में क्या पैदा करता है? बुराई पैदा करता है। सॉन्ग सी बात हो रही है यहाँ पे, वो हमारे दिल में बुराई पैदा करते हैं। क्लास थ्री ये जो आपकी दुआएं हैं, बैतुल खला से निकलने की दुआ और बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, पेज नंबर 80 एंड पेज नंबर 81 इन पे आपको ट्रेसिंग दी हुई है। नीचे 3-3 लाइंस पे ट्रेसिंग गिवन है, ये ट्रेसिंग आपने कंप्लीट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये वाले 2 पेजेस जो थे ये इनकम्प्लीट थे, ये ट्रेसिंग आपने कम्प्लीट करनी है। अब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लें। टीचर कौन से पेज पे है? पेज नंबर 80 एंड पेज नंबर 81।
पीछे मेरा हुआ है। आपने अपनी बुक चेकिंग के लिए नहीं दी थी शुचिका? पीछे पापा गए थे, सर ने कहा कि बुक्स नहीं देनी। कॉपी दी थी आपने अपनी? यस। क्या आ गई क्या कॉपियां? बस अब आपका अपना कॉपी वर्क जो जो मिसिंग है आपने उसको कंप्लीट करना है। ओके। जब आपने कॉपी वर्क करना है तो ऊपर प्रॉपर डेट एंड डे मेंशन करनी है, चैप्टर का नाम लिखना है, अगर आप सवाल जवाब लिख रहे हैं तो सवाल जवाब लिखने हैं, फिर सवाल लिख के उसके बाद उसका जवाब लिखना है, जैसे हम क्लास में काम करते थे। ओके। अजान आपकी अभी तक क्यों नहीं आई है कॉपीज? अजान